शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए। माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए, सत्ता पूरा के पूरा वैभव चले गया, बत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा, भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते हैं, मात्र स्पर्श। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, मात्र स्पर्श। तुम जाओ दो लोटा जल लेकर जाओ, और दो लोटा जल लेकर, दो बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए, और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, मालन दो लोटे जल लेकर, साथ में दो बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चल, भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चली। रोज जाए सावन के महीने में, रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी, दो व्रत हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दो व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला सावन के महीने के सोमवार, दूसरा शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है, उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो।
उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दो व्रत है, दो एक एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि का। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये दो व्रत। कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, जरा हाथ उठाइए। सब करते हो, बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल सावन में दो लोट। बस हाथ में दो लोटा का जल भरा हुआ, भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं, भूख लग रही, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या कर, विचार कर रहे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंच। देखो मार्ग कौन दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला कौन है, देवाधिदेव महा आपको मार्ग दिखाने वाला, ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रिया, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है, भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र, बेलपत्र नहीं तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी, उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया, बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूँ, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, आप पा लीजिए, और भगवान को देने लगे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ पूजा की थाली में लिए खड़े रे, पूजा ओ भोले तेरी सेवा हम।
हमसे ना बने रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो, भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रखकर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप भर धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं, मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े कि जल चढ़े कि दही चढ़े कि शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है, उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ बस मेरा महादेव से रीच आता है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लो वो भी ना बने, तीन बार ताली बजाकर शिव को रिझा लो वो भी ना बजे, तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लो, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूँ और कुछ भी। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे लावे, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए। अब आप शिव जी को रिझा रहे हो, भगवान शंकर को रिझा रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, आप शिव भक्ति कर रहे हो, आप शिव में अपना ध्यान लगा। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए, बहुत पहले की बातें हैं ये, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब ये सब 22 साल पहले के प्रसंग हैं। और बहुत से ऐसे प्रसंग रहते हैं जो स्मरण में बने रहते हैं। जब हम एक बार विदिशा में कथा करने के लिए आए थे 23 साल पहले, नंदवाना में छोटी छोटी गली थी विदिशा की, नंदवाना में, और मां श्रीनाथ जी की हवेली, शायद हवेली जी भी होगी, हवेली जी के पास में ही यजमान का घर था अग्रवाल जी का, जहाँ कथा करी थी, अनाज का काम था, भी उनके साथ कोई गमी हो गई है इसलिए वो लोग नहीं आए। तो हवेली जी से सामने वाली पट्टी में 4-5 घर छोड़ के शायद अग्रवाल धर्मशाला या कोई उस धर्मशाला, अब पहले तो पुरानी थी, नई हो गई क्या वो,
अच्छा, पहले पुरानी थी, उसमें ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी और एक बड़ा सारा हाल था, बीच में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे, उसी में हम रुके थे, विदिशा में आए थे, उसी में हम लोग ठहरे। 23 साल पहले का और हम आए थे कथा करने, और उससे पहले का एक प्रसंग श्रीनाथ जी की हवेली का हमको सुनने को मिला था विदिशा का, कि ठाकुर जी की हवेली में यमुना शतक का पाठ था और एक विदिशा की एक माँ जो यमुना जी से इतना स्नेह करती थी, ठाकुर जी से इतना स्नेह करती थी कि वो यमुना शतक के पाठ में पूरा श्रृंगार कर कर पहुंच गई थी, और जैसे यमुना जी के अष्टक का पाठ का पर्दा हटा वैसे यमुना जी का फोटो बीच में से चटक गया था और उसके प्राण छूट गए। यह विदिशा का इतिहास कथा, यह विदिशा की कथा कहती है, मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्यमय धरा पर आकर जरूर करिए। शिव को रिझाना, राम को रिझाना, कृष्ण को रिझाना, अविरल भक्ति को धारण करना, ये कुछ पुराने पुराने प्रसंग। पहले हम विदिशा एक